सभी को हमारी ओर से झारखंडी जोहार जोहार जोहार। आप लोग पूरे झारखंड से हमारे किसान भाई रांची के राजधानी में आए हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मंच पर हमारे साथ बैठे गण्यमान्य अतिथिगण हैं, महागठबंधन के मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, सम्मानित अतिथिगण हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और संक्षिप्त में बातों को रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आज कार्यक्रम तो वैसे किसानों का ऋण माफी को लेकर ये महाजुटान यहां हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं ये ऋण माफी जुटान नहीं है, बल्कि ये किसानों का सम्मान महाजुटान है। आज किसानों के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित हुई है और हमें पता है कि हमारे राज्य में 80% लोग गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी से जुड़ने वाले लोग हैं, उसी पर इनका जीवन यापन भी होता है। और आपने हमें सुना होगा कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि झारखंड के लोगों के पास, हमारे गांव देहात के लोग, हमारे किसानों के पास बोरा भर भर के पैसा नहीं है। बैंक में भरा हुआ नोट इनका नहीं है, कोई एटीएम कार्ड भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से खाता भी खोलता है तो वो खाता में कुछ पैसा मेहनत मजदूरी करके जमा करने का आप लोगों का प्रयास हमेशा रहता है। इसीलिए हम कहते हैं हमारे किसानों का बैंक खेत होता है और किसानों का एटीएम कार्ड उसका खलियान होता है। यही संपत्ति है हमारे किसानों की, लेकिन इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिसके पास ना खेत है, ना बाड़ी है, ना टाण है, ना कुआं है, ना चापाकल है, ना पटाने का कोई मशीन है, ना ट्रैक्टर है, लेकिन आज उस पूंजीपति लोगों के पास बोरा भर भर करके बैंकों में पैसा जमा पड़ा है। चंद लोगों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि देश का 125 करोड़ लोग भी अगर जुट जाए उस पैसा को गिनने के लिए तो उम्र खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसा नहीं खत्म होगा, इतना पैसा ही लोग जमा कर लिया है। और वो पैसा कहां से आया? वो पैसा इस देश के गरीब किसान मजदूर लोगों का पैसा है। आप
नमक तेल जूता चप्पल बच्चों का पढ़ाई लिखाई कागज कलम कुछ भी खरीदते हैं सब में आपको टैक्स लगता है और वो टैक्स का पैसा उन व्यापारियों का जेब में जाता है। आज देश के किसानों को उनकी आय दुगुनी करने का एमएसपी बढ़ाने का पैसा इनके पास नहीं है। आज देश के बूढ़े बुजुर्गों को बुढ़ापे का सहारा उसका लाठी जो पेंशन के रूप में होता है वो देने का पैसा इनके पास नहीं है। इस देश की आधी आबादी को सशक्त करने का उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का हिम्मत देने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है पैसे नहीं है। लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारी मित्रों का कर्जा माफ करने के लिए लाखों अरबों रुपया इनके पास भरा पड़ा। बड़ा विचित्र स्थिति से यह देश गुजर रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक साल से अधिक तक दिल्ली को घेर के बैठ गया था। दिल्ली में इस तरीके से वो किसान डट के बैठे कि भारत सरकार उस चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पा रहा था और उस आंदोलन में अनेक किसानों की जानें भी चली गई। ठंडा गुजर गया बारिश गुजर गया गर्मी गुजर गया हर मौसम गुजर गया लेकिन किसान डटे रहे। क्यों डटे रहे? क्योंकि यही एनडीए की सरकार यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए काला कानून लेके आ रही थी। पूरे देश के किसानों को व्यापारियों के हाथ में बेचने की तैयारी हो रही थी। वैसे भी देश का लगभग सब संपत्ति तो ये लोग बेच चुका है और बचा कसा इस देश का जो रीढ़ का हड्डी जिसको हम किसान कहते हैं इसको भी बेचने की तैयारी में था। लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी और इतना जबरदस्त लड़ाई हुआ कि आखिरकार सरकार को घुटना टेकना पड़ा और वो तीनों काना कालू उनको इनको वापस करना पड़ा। ये है किसान की ताकत। किसान को मान सम्मान नहीं दोगे उनको हक अधिकार नहीं दोगे जब किसान अपने बात पर अड़ गया तो अच्छी अच्छी सरकार खाक छान कर खत्म हो जाती है। इसीलिए हमारा राज तो वैसे भी देश का सबसे पिछड़ा राज है। सबसे अधिक लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। आज हम लोगों ने इस राज के हर वर्ग हर व्यक्ति महिला पुरुष लड़का लड़की बच्चा बच्ची स्कूल में पढ़ने वाला खेत में काम करने वाला मजदूरी करने वाला सबके लिए सरकार 2400 घंटा इस राज्य की जनता की सेवा में लगा हुआ है। आपको याद होगा जब हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंक कर झारखंडी सरकार बनाई। जैसे ही सरकार बना कोरोना जैसा महामारी इस राज्य में आ गया पूरा देश दुनिया में आ गया और ऐसा महामारी कि हाट बाजार गाड़ी मोटर काम धाम नौकरी चाकरी सब बंद। और ऐसा महामारी
गरीब पिछड़े राज के लिए एक अभिशाप की तरह होता है। जहां मजदूर एक दिन ने अगर मजदूरी नहीं करता तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार को भूखा सोना पड़ता है। बेचारा कोरोना का ये लॉकडाउन का आदेश ऐसा आदेश था कि वो मजदूर घर पे रहता है तो भूखा मरता है, बाहर जाता है तो कोरोना से मरता है। बड़ा मुश्किल बात है, कैसे जिएगा, कैसे खाएगा। लेकिन इस वैश्विक महामारी में जहां हमारे पास ना अस्पताल का हालत ठीक, ना डॉक्टर का हालत, ना दवा का हालत, ऐसे स्थिति में जब अगल बगल राज्य में लोग जानवर की तरह मर रहे थे, लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी खत्म, जलाने के लिए लकड़ी खत्म, लेकिन झारखंड राज्य में कोरोना कैसे आया और कैसे गया, इस राज्य की जनता को बिना किसी डर भय का शांतिपूर्वक, बिना किसी उछल कूद का हम लोगों ने इस जंग को भी जीता। लेकिन इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आज इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे दो दो मंत्री कोरोना के गर्त में चले गए। तब जाकर के इस राज्य को हम लोग बचा पाए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलने वाली हमारे इस राज्य की आधी आबादी महिला दीदियों का रहा है। डबल इंजन की सरकार जब 2019 के पहले थी, लोग यहां राशन कार्ड ले लेकर के भात भात करके मरता था। लेकिन उन दीदियों के बदौलत गांव गांव में खाना बना करके मजदूरों को मुफ्त में खिलाने का काम, अपना जान जोखिम में डालने का काम हमारी इस राज्य की महिला दीदियों ने किया था। आम दिनों में लोग भूख से मर गए, लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया, एक भी मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, किसी को इस सरकार ने भूख से मरने नहीं दिया। ये सरकार की उपलब्धि है। और उस कोरोना का दिन याद कीजिए जब हम लोग का घर परिवार का कोई सदस्य अलग अलग राज्यों में फंसा था, उस समय सरकार आपके परिवारजनों को ट्रेन से, हवा जहाज से, गाड़ी से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे थे। हम लोग तो कोरोना ढोके ला रहे थे। और जब ये दो साल कोरोना पूरे राज्य में मंडराता रहा और जब सामान्य हुए, काम करने लगे, तो हमारे विपक्ष लगातार मेरे विरुद्ध झूठा आरोप लगा लगा करके दो साल तबाह किया। और जब लोकसभा का चुनाव आया तो हमको जेल में डाल दिया। लेकिन जब नेक इरादा और ईमानदारी से काम कर रहा सरकार को और जन जन के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली सरकार को अगर कोई बेवजह परेशान करता है, झूठा आरोप लगाता है, तो गरीबों का हाय लगता है और आप लोग का आशीर्वाद से हम फिर आप लोगों के बीच में खड़े हैं। आज आपको अधिकार देते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को उनका बुढ़ापे का लाठी देते हैं, नौजवानों को रोजगार देते हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं, बेटियों को प्रोत्साहित करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये लोग कोर्ट चला जाता है, कोर्ट कचहरी करा करके हमारे योजनाओं को बंद करा देता है, अड़ंगा लगाता रहता है। और आज इतने बड़े संख्या में किसानों को सम्मान देने के लिए जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, पता नहीं आने वाला समय में इसके लिए भी ये लोग कोई कोर्ट कचहरी करा दे। लेकिन कोई बात नहीं, इनसे हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और दोनों लड़ाई ये झारखंड जीतेगा, ये महागठबंधन जीतेगा।
आज मौसम को इस तरीके से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। आज जंगलों को काटने के लिए इन लोगों ने अब बड़ी बड़ी कंपनियों को जिम्मा दे दिया। अभी हाल में ही आप सुन रहे होंगे ये छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा व्यापारी को वहां का खदान इन लोगों ने आवंटन कर दिया और वहां पर जंगल को साफ करने का भी जिम्मा उसको दे दिया है। वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी लगातार आंदोलनरत है, लेकिन अब जब सरकार ही वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब वहां की सरकार ही अगर वहां के लोगों का घर उजाड़ रहा हो तो उस राज्य का क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस राज्य को ये लोग भ्रष्ट सरकार और घोटालों की सरकार का संज्ञान देते हैं। राज अलग होने के बाद तो सबसे अधिक सरकार इन्होंने चलाया था। बताए उन 20 सालों का एक भी उपलब्धि बता दे जो इस राज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ हो। बल्कि यहां के लोगों के जल जंगल जमीन को उजाड़ने का निरंतर प्रयास होता रहा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके सांप्रदायिक तनाव फैला करके घर घर में लोगों को लड़वा दिया, समाज समुदाय धर्म को आपस में लड़वा दिया और इन प्रकार अपना राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। और आज सरकार बनाने के लिए इतने इनके मन में लालच है कि अगर जनता समर्थन भी नहीं देता है, उनको वोट भी नहीं देता है, तो विधायक और सांसद को खरीदने लगता है पैसे के बल पर। पैसा कितना है इसका अंदाजा इस देश के किसी भी आम नागरिक को नहीं है उनके पास कितना है। आज उसी धन बल के बदौलत आज हम जहां आज के इस कार्यक्रम में किसानों का ऋण माफी करने का काम करना शुरू कर रहे हैं, आज यहां वोट खरीदने का काम में ये लोग लगे हुए हैं। पूरा देश का लगभग एक दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री यहां मंडरा रहा है, पूरा आसमान में घूम रहा है, जहां तहां उतर उतर करके लोगों को सरकार के विरुद्ध जात धर्म के नाम पर भड़काने पर लगा है। इनके राज तो अपने संभलते नहीं, आज जाके देख लीजिए महाराष्ट्र जहां पर इन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में सरकार खरीदा है, बनाया नहीं है जनता का समर्थन से नहीं, वहां की सरकार को उसने खरीद लिया। आज देखो वहां पर वो महाराष्ट्र आज डूबा पड़ा है, लोग घर से निकल नहीं पा रहे। इनका तो अपना घर संभलता नहीं और दूसरे के घर में आग लगाने चले। इसलिए आप सभी किसान भाइयों, हम लोगों ने पहले चरण में 50,000 तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया था। अनेक किसानों का ऋण माफी हुआ, अनेक लोग बाकी भी रह गए। तो पता चला मौसम का मार ऐसा किसानों को लगातार 2-3 वर्षों में हो रहा है कि कभी समय पर बारिश ना हो, कभी समय पर गर्मी ना हो, बारिश हो तो कभी इतना अधिक हो जाए कि सब कुछ सड़ सुड़ के खत्म हो जाए, खेत का बीज उज, या फिर सूखा का हालत हो जाए, बाढ़ का हालत हो जाए, ये हालत हो जाता था। और किसान एक बार मौसम का मार खाता है तो उसको अपना कमर सीधा करने में बरसों लग जाता है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस राज्य के लगभग 38 लाख किसानों को, किसान जो है जो पंजीकृत किसान है, उनके बीच में 2 लाख तक का ऋण माफ करने का निर्णय सरकार ने लिया है। और आज उसी के तहत लगभग 400 करोड़ से अधिक ऋणों कर्ज माफी का जो रुपया है वो वितरण होने का कार्यक्रम है। इसलिए किसान भाइयों, मैं और बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, योजनाओं का नाम गिनाना शुरू करूं तो ये समय बहुत छोटा पड़ेगा, लेकिन आज देखिएगा बहुत जल्द चुनाव आने वाला है और ये षड्यंत्रकारी लोग
फिर से गिद्ध की तरह पूरे राज्य में मंडरा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से ऐसे ऐसे शकल आपको दिखेगा जो आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, और एक बार दिखेगा फिर दोबारा नहीं दिखेगा। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। अभी 2-3 महीने के बाद राज्य में चुनाव होने जा रहा है, हम लोग हक अधिकार मांगते हैं तो ये लोग जेल में डालने का काम करता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब जेल और लाठी और डंडा गोली से झारखंड का लोग डरने वाला नहीं है। हक अधिकार ये लड़ के लिए आए, झारखंड लड़ के लेंगे अधिकार, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज किसानों के लिए हम लोगों ने वैकल्पिक खेती के लिए कई सारे आयाम खोल दिए हैं। आप लोग धान, गेहूं, मक्का, यही सब ज्वार बाजरा के बीच में रहते हैं, आजकल कम बारिश में भी कौन कौन खेती बाड़ी हो सकता है, उसके लिए पहली बार कृषि पदाधिकारी इस राज्य में नियुक्त हम लोगों ने नौकरियां दी है, ताकि आप लोगों को उन्नत खेती का दिशा में वो लोग आपको दिशा दे सके। आप लोगों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं। आज हर चीज में इस राज्य को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आज बताइए, सिर्फ लोग दाल चावल भात रोटी थोड़ी ही खाता है, आज के दिन में फल भी खाता है, आम भी खाता है, अमरूद भी खाता है, केला भी खाता है, पपीता भी खाता है। क्यों इसका खेती नहीं हो सकता है झारखंड में? आज आम दूसरे राज्य से आता है, केला दूसरा राज्य से आता है, अमरूद भी दूसरा राज्य से आता है। क्यों हमारा किसान ये खेती बाड़ी करके इस राज्य में अपना आय बढ़ा सकता है? उसी तरीके से झारखंड में लोग मांस मछली मुर्गा अंडा भी खाता है, लेकिन आज इस राज्य में अंडा का खपत इतना है कि दूसरा राज्य से अंडा को लाना पड़ता है। आज मुर्गा दूसरा राज्य से आता है, दूध दूसरा राज्य से आता है। हम लोग उत्पाद करते हैं लेकिन कम करते हैं, और हम लोगों का आवश्यकता पूरा करने के लिए दूसरे राज्य का हम लोग पेट भरते हैं, पैसा भेजते हैं, तब हम लोग को सामान मिलता है। क्यों हमारे किसान समृद्ध नहीं हो सकते? क्यों दूध उत्पादन बढ़ नहीं सकता है? क्यों यहाँ का फल नहीं हो सकता है, इस आम का खेती नहीं हो सकता है? ये झारखंड प्रदेश इस देश का ऐसा प्रदेश है जहां हर तरीके का खेती बाड़ी हो सकता है, जो विदेश में भी होता है, जो जम्मू कश्मीर में भी जो फल फूल होता है वो भी झारखंड में हो सकता है, ऐसा यहाँ का मिट्टी है। बसरते हमें इस पर लगने की आवश्यकता है, उस पर नीतियों पर काम करने की आवश्यकता है। हम लोग तो इस कार्यकाल को 2 साल कोरोना के साथ लड़ते बीत गए और 2 साल हमारे विपक्षों के साथ लड़ते बीत गए, लेकिन फिर भी जो इस राज्य को हम लोगों ने दिशा दिया है, निश्चित रूप से किसानों के लिए, गांव देहात की अर्थव्यवस्था के लिए आने वाला समय में इस राज्य का मील का पत्थर साबित होगा। इस राज्य में कोयला है, लोहा है, अबरक है, सोना है, चांदी है, और इस वजह से इस देश, इस राज्य को पूरा देश दुनिया में सोना का चिड़िया लोग बोलता है, लेकिन यहाँ का लोग बेचारा फटाहाल, पैर में चप्पल नहीं, तन ढकने का कपड़ा नहीं, 2 वक्त का खाना नहीं। आज इस राज्य का हर एक व्यक्ति को जो उसका मूल जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, ये अब सरकार दे रही है। पूरे गांव-गांव में कैंप लगा-लगा करके गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की सूची बन रही है, महिलाएं को सम्मान दिया जा रहा है, आज तन ढकने के लिए कपड़े भी दिए जा रहे हैं। यही डबल इंजन की सरकार
2019 के पहले लोगों को भूखा मारने का काम किया, दर्जनों लोग राशन कार्ड ले लेकर के मर गया। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बनाकर गरीबों में बांटने का काम किया। कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम पूरे विस्तृत रूप में जाएंगे, वक्त भी कम पड़ेगा और आपको भी जाना है, इसलिए याद रखिएगा, हम लोग काम के आधार पर, हम लोग आज आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का हर प्रयास हम लोगों ने किया और आज गांव-गांव में लोग, जहां आज गांव के लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा था, बीडीओ नहीं देखा था, सीओ नहीं देखा था, डीसी नहीं देखा, एसपी नहीं देखा, आज उन गांव में ऐसे ही शिविर लगा लगा करके गांव के ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो रहा है। इसीलिए सरकार आपके द्वार लगातार पूरे राज्य में आयोजित है। हमने पहले भी कहा था, हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। इसीलिए अब गांव गांव में सरकार जाती है और लोगों की समस्या का समाधान करती है। आज पूरे किसान का ऋण माफी हो रहा है, आज पूरे ग्रामीणों का जो बिजली का बकाया है उसको भी हम लोगों ने माफ कर दिया, आज 200 यूनिट बिजली भी आपको फ्री दे दिया। आप खेती बाड़ी भी कीजिए, पढ़ाई लिखाई भी कराइए अपने बाल बच्चों का, बेफिक्र रहिए। तो इसलिए बहुत सारी बातें याद आ रही है तो हम भी बोल दे रहे हैं। पहले बताओ, यहां पर सरकार की तरफ से कहीं कहीं ट्रैक्टर भी लोगों को अनुदान में मिलता था, लेकिन आज ट्रैक्टर के साथ गांव देहात में नौजवानों को स्वरोजगार के लिए बेलेरो भी मिल रहा है, ट्रैक्टर भी मिल रहा है, बस भी मिल रहा है, स्कॉर्पियो भी लेके जा रहा है, हर तरीके का गाड़ी, और जाके बैंक से लेके दिखाओ तो लोन एक रुपया भी, बल्कि उल्टा आपका खून चूस लेगा लेकिन एक रुपया नहीं देगा, ना आपको खेती बाड़ी के लिए देगा, ना अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए देगा। अपने बाल बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाना है, सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड बनाया है, उसको आप लोग सभी बच्चों को दिलवाइए, और जब उसको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील में जब उसका नामांकन होगा और हमारे किसान भाइयों के पास पैसा नहीं होगा तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड बैंक में लेके जाइए, 15 लाख रुपया तुरंत आपको दिया जाएगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। एक बार जोरदार हम आवाज आप लोगों से सुनना चाहते हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, आप लोग खुश हैं, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, झारखंडी जोहार।